राहुल कैसा है? ठीक है, जब से होश आया तुम्हारा ही नाम ले रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत लकी है, वरना ऐसी चोट में तो। बॉबी? हाँ बॉबी, मैं यही हूँ। आई एम राइट हियर बॉबी। तो फिक्र मत कर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब तक तू एकदम ठीक नहीं हो जाता मैं यही हूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स। तुम तो बाहर जाने वाले थे ना? अब नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम नौकरी नहीं ले रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ? मेरी जगह प्रेम भैया जा रहे हैं। प्रेम भैया? क्यों? एक्चुअली वहां जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। मेहरा जिससे मैं मिलने जा रहा था वो प्रेम भैया के बॉस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भैया के बॉस ने सब कुछ फिक्स कर लिया है। और प्रेम भैया को तो पूरा यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, इसलिए वहाँ मेरा जाना फॉर्मेलिटी है। प्रेम भैया चले जाएंगे, सारी बात कर लेंगे और मेरा बायोडाटा भी दे देंगे। ओके, तो प्रेम भैया गुस्सा नहीं हुए जब तुमने उनसे कहा कि? डैड गुस्सा हुआ, प्रेम भैया नहीं। प्रेम भैया जानते हैं कि बॉबी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारी हर मुसीबत में यही तो है मेरे साथ। ये माने के मामले में तो ये था। मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? बॉबी को अगर कुछ हो गया तो। या बॉबी, आई एम हियर। मैं हूँ बॉबी। वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जिन्हें तुम जैसा दोस्त मिलता है, और मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा साथी मिला। तुम? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे निकालो कमरे से बाहर, अभी निकालो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं इस बुड्ढे को घर से बाहर किसने निकलने दिया। देखिए इसकी बदतमीजी, तुम इसके दोस्त हो। ए मिस्टर, ये हमारा आपस का मामला है, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? मैं हाँ? कौन होता हूँ बताऊँ तुम्हें? अरे प्लीज, ये हॉस्पिटल है। राहुल, इसे बाहर निकालो। डैड प्लीज, आप गुस्सा क्यों हो रहे? ये भी बॉबी की दोस्त है, आपकी तरह ये बॉबी को मिलने आई है। ठीक है, अब मैं तभी आऊंगा जब ये इसे देखकर जा चुकी होगी। डैड, डैड प्लीज। डैडी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, बात क्या है? बच्चे जब गलत रास्ते पर चलने लग जाएं, तो बाप को परेशानी के सिवा और हो भी क्या सकता है? डैडी, हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? हाँ डैड, आखिर बात क्या है? क्या राहुल ने कुछ कह दिया? कुछ कहा नहीं, इसी बात की तो परेशानी है। वो छुप छुप कर वो सब कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं। ऐसा क्या किया राहुल ने? बस इस बात की कमी रह गई है कि मेरी मर्जी के खिलाफ वो उस लड़की से शादी करके उसे इस घर में ले आए। आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? उस बदतमीज माला के बारे में जो किसी की दोस्त बनने के काबिल भी नहीं, और तुम्हारा बेटा उससे। पूछो इससे, पूछो अपने साहबजादे से, आजकल ये कर क्या रहे हैं? डैड, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, तुम बना रहे हो। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे बटवे में माला की तस्वीर देखी थी। डैड, माला वैसी लड़की नहीं है जैसे आप समझते हैं। ये मुझे समझा रहा है जैसे मुझे उस लड़की के बारे में मालूम ही नहीं। 2 बार वो मेरी बेइज्जती कर चुकी है, और आज अस्पताल में जो मैंने देखा और सुना उससे मुझे इनके रिश्ते का भी पता चल गया है। इनका रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ गया है। आज मुझे समझ में आ रही है बात। बॉबी का एक्सीडेंट एक बहाना है। ये उस लड़की की वजह से नहीं जाना चाहता। डैड, हो सकता है कि इस लड़की के बारे में आपको कोई गलतफहमी हो, और अगर हमारा राहुल इसे पसंद करता है इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तुम लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे हर्ज है, और मेरी उस लड़की के बारे में जो राय है वो कभी नहीं बदल सकती। राहुल, मैं कल बाहर जा रहा हूं, मेरे वापस आने तक कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चिंता मत कर, ओके? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तू तो मेरा सबसे लाडला बेटा है, मुझे मेरी उम्र भी लग जाए। माँ, मुझे तेरे उम्र की जरूरत नहीं है, तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। राहुल के जिस काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, दुआ करो कि वो कामयाब हो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा बिना मांगे तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, बिना मांगे तुमने हमें हमेशा सब कुछ दिया, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माँ, तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्द से जल्द वापस चले आ। माँ, ये गलत बात है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगती हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं वो चीज़ तुम्हें लाकर नहीं दे सका तो मैं इस दुख में तड़पता रहूँगा। लेकिन यकीन मानना, तू अगर मुझसे स्वर्ग भी मांगेगी ना तो मैं उसे लाकर तेरे कदमों के नीचे रख दूंगा। तू मुझसे मांग कर तो देखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सचमुच मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख माँ, ऐसा नहीं चलेगा, तुझे कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तू मुझे वहां से एक हरे रंग की जरी वाली साड़ी लेकर आओ। हाँ, ये हुई ना बात, मैं उसे जरूर लेकर आऊँगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अब क्लास टूट गया माँ, मैं चलता। प्रेम, वैसे भी आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि तू वहाँ जाए। प्रेम, देखो कांच भी टूट गई, कांच का टूटना अशुभ होता है बेटा। माँ, वो सब तो ठीक है, देखो तुम ये उल्टी सीधी बातों में विश्वास मत करो। देखो, जिस काम के लिए मैं राहुल के लिए वहाँ जा रहा हूँ ना, एक बार वो काम पूरा हो जाएगा तो ये कांच का टूटना भी शुभ माना जाएगा। फिर भी प्रेम तू। माँ, मुझे तुम्हारे लिए वो हरी जरी वाली साड़ी भी तो लेकर आना है। जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है माँ, मैं चलता हूँ। लेकिन प्रेम, कल तो तेरी मंगनी है ना। अरे माँ, मैं कौन सा 7 समंदर दूर जा रहा हूँ, यहाँ पास वाले शहर में तो जा रहा हूँ। प्रेम, मंगनी के दिन जल्दी से जल्दी आना। मंगनी वाले दिन मैं सीधा आंचल के घर पहुँच जाऊँगा माँ। और माँ, इस वक्त मैं आंचल से मिलने जा रहा हूँ, वो क्या है कि एयरपोर्ट वही मुझे छोड़ने जा रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे बाबू जी, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा, भगवान तुझे तेरे काम में सफलता दे। और हाँ, ध्यान रखना, ठीक है? कोई शैतानी नहीं। भैया, आई एम सॉरी, आपको मेरे कारण मंगनी से एक दिन पहले जाना पड़ रहा है। आई एम वेरी सॉरी। राहुल, तेरी खुशी के लिए मैं एक दूसरे शहर तो गया, इस दुनिया से उठने। भैया प्लीज, दुनिया से अगर कोई जाएगा तो आपकी जगह मैं जाऊं। कैसी बातें करते हो तुम लोग, हैं? जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ। अच्छा बाबूजी, बाय। अरे क्या हुआ, इतना लंबा मुंह क्यों लटकाया हुआ? आंचल, मैं 4-5 साल के लिए बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कल तुम जल्दी आ जाना, ओके? देखो, काम खत्म होते ही पहली फ्लाइट लेकर मैं वापस आ जाऊँ। इतने दिनों के बाद तो हमारा ये दिन आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, मैं देरी करूँगा? काम खत्म होते ही आ जाऊँ, ओके? तुम मत जाओ ना प्रेम, प्लीज। अरे आंचल, राहुल की नौकरी का क्या होगा? और वहाँ पे भैया तो सगाई की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, नहीं? 2-3 दिन से इसी काम में बिजी है वो। तुम्हें पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स को इनविटेशन देकर आए हैं। अच्छा? मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है उनके पास। तो ऐसा करते हैं कि एक बार हमारी शादी हो जाए ना, उसके बाद हम उन्हें बहुत बड़ा फाइन करेंगे। उन्हें हमारे साथ ढेर सारा वक्त गुजारना पड़ेगा। जानती हो, तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बात यह है कि तुम बोलती बहुत बोलती हो ना। ज़्यादा नहीं पर। What? How dare you say that? मुझे वहाँ से फोन करना, okay? I'll do that. Don't forget. I won't. Promise. और मुझे मिस करोगे? Of course. क्या हुआ, बहुत थक गए हो क्या? हाँ। ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें देख के तो लगता है कि अभी अभी तुम किसी से कुश्ती लड़कर आई हो। ऐसे ही समझो। चाय तैयार है, लेकर आती हूँ। हाँ? हाँ। कल प्रेम और आंचल के सगाई के लिए जाना है। घर बंद होगा 2 दिन के लिए, इसलिए किचन साफ किया, फ्रिज में पड़ी हुई कुछ चीज़ें पड़ोसियों को देकर आई, कुछ बिल्डिंग के वॉचमैन को देकर आई। सर्वेंट से क्या काम कराना है वो भी पड़ोसियों को समझाना था। फिर ये नौकरानियाँ, कुछ ना कहो तो एक कप भी यहाँ से वहाँ नहीं रखती। सब करके आई। सचमुच तुम मेरा और हमारे घर का कितना ख्याल रखती हो। दिन भर काम करके थक गई होगी ना। मेरी एक बात समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आती। कौन सी? एक बात तो ये है कि ऑफिस की तरह घर का काम भी फुल टाइम जॉब होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऑफिस की लड़कियां दिन भर काम करने के बावजूद फ्रेश नजर आती है, जबकि तुम हमेशा थकी थकी सी क्यों लगती हो। हमारे बॉस की लड़की, उसे देखो, उसे देखने के बाद ये नहीं लगता कि दिन भर काम किया उसने। हाँ। शादी से पहले मैं भी बहुत फ्रेश रहती थी। हाँ। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले सिर्फ अपने आप को संभालना होता है, और अब 3 दिन बच्चों को संभालना है, बंटी, रिंकी और तुम। मैं मानता हूँ, पर मेरे ख्याल से ऑफिस की लड़कियां हमेशा फ्रेश क्यों लगती है पता है? क्योंकि उन्हें ऑफिस में सर आंखों पर बिठाया जाता है और पैम्पर किया जाता है। मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहिए। रोका किसने? मम्मी, 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 कल प्रेम चाचा की सगाई के लिए कौन कौन सी चीजें रखूं? बेटा, जो कपड़े आपको पसंद है वो रख दो। मम्मी आप भी आओ ना। आती हूँ। होता है। See you later. यार, मेरी तकदीर ही खराब है, हमेशा। चाय ही पी लेते अब। क्या बात है, बीवी के साथ रोमांस ने किया, चाय पी ली। क्या ऑल्टरनेटिव है। वाह, आया भाई, चाय भी नहीं पीने देते। हेलो हेलो मिस्टर राजेश। यस, मैं अंजलि बोल रही हूँ। यस मैम। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, बट नो नो, आप कहिए ना क्या बात है। एक्चुअली आप 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आएंगे और कुछ अर्जेंट पेपर तैयार करने थे। आप कुछ देर के लिए ऑफिस आ सकते हैं? आई एम सॉरी बट नो नो, नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेजर। मैं अभी आता हूँ। थैंक्स। हाँ हाँ, अच्छा कि आपने फ़ोन कर दिया खुद। मैं आपको फ़ोन करने वाला था, वो सगाई के लिए याद दिलाने के लिए। आप आना ज़रूर। हाँ हाँ, आप तैयारियां तो सब हो गई हैं, बस आपका आना ज़रूरी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ओके जी, नमस्कार। अरे बाबा, मेरी कमीज मर गए। अरे भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मिनट। आपने हाथ जला लिया अपना। हाँ, वो वाओ, फैंटास्टिक। शर्ट भी जल गई। आपको इतना सा काम दो ना तो आप इतना कर देते हो उसको। This is too much. पता नहीं क्यों करते रहते हो ये सब काम। मैं हूँ ना ये सब करने के लिए। ये बंद कर दूं? कर दीजिए। क्या? दिखाइए अपना हाथ। इस पे? नहीं नहीं, आ जाइए, ये तो ठीक है। एक मिनट, दिखाइए ना। हाँ, यहाँ पे चलाना। चल रहा है? क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि भाई की क्या हालत है। काम नहीं करो तो मुश्किल है, और करो तो डांट पड़ती है। अब ऐसा मत कहो। हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वैसे एक बात है, आज पता चल गया कि अपने खुद के काम करने की आदत नहीं हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ ना इन सब कामों के लिए, आप क्यों करते हो? हाँ हो, लेकिन कितने दिन हो? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम चली जाओगी ना, फिर तुम मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आदत डाल देता। लेकिन अभी मैं हूँ ना यहाँ पर। हाँ, मेरी सगाई हो रही है तो ये हाल है। पता नहीं शादी के बाद क्या हाल होगा आपका। भैया, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को शादी के बाद अपना घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? दैट्स रियली बैड। ये सवाल तो हर बहन अपने भाई से पूछते आ रही है कई सालों से, और बेचारे भाई के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास है। रियली? ताकि भाई अपने घर में आराम से अकेला रह सके खुशी से। थैंक्स फॉर दैट। नाउ भैया, आप मेरी शादी के बाद आपको मेरी बहुत याद आएगी ना? आप यहाँ अकेले रह जाएंगे? नहीं, अकेला थोड़ी मैं रह जाऊंगा। तुम्हारी यादें होंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.